अरे दोस्तों, ये सीरीज़ है जिसका नाम है जिस्ट। इसमें मैं किताबें, आर्टिकल्स, मूवी, स्पोर्ट्स या कुछ भी जिसका भी मैंने सेवन किया है, कंज्यूम किया है, देखा, पढ़ा, लिखा, उसका एक संक्षेप, उसका एक समरी, उसके टेक अवेज, उसकी मेन लर्निंग लेसन क्या है, उसमें मुद्दे ही बातें क्या हैं, उनका एक वीडियो लॉग बनाने की कोशिश करता हूँ कि कभी भी मेरे काम आ जाए, किसी और के अगर किसी को पसंद आए तो उनके काम आ जाए। कोशिश ये रहती है, जैसे कि कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो जल्दी से अपना वीडियो खोला पुराना और देख लिया तो चीज़ें दोहराई जाती हैं, अच्छी याद आ जाती हैं, तो कभी कभी काम आती हैं। इस टीम के साथ, इस पर्पज़ के साथ मैं ये वीडियो लॉग बनाता हूँ। तो आज की वीडियो लॉग में मैं जनरली, तो मैं ये एक पार्क है वहाँ जाता हूँ, तो मैं निकला हूँ, आवाज़ में रास्ते में आवाज़ में ख़राबी है तो डब डब करके मैं डाल रहा हूँ, आपको समझ आ गया होगा। बहरहाल, किताब का नाम है दी आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली बाय रॉल्फ डोबेली। द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली, जैसे कि नाम में ही, शीर्षक में ही समझ आती है बात, कि साफ कैसे सोचें, सीधा, सरल, सही कैसे सोचें, इसके बारे में किताब है बाय रॉल्फ डोबेली। ये स्विट्जरलैंड के निवासी हैं, वहाँ के एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन हैं, वहाँ से इन्होंने काफ़ी लिखा भी है, राइटर हैं, थिंकर हैं, पायलट हैं, कमाल की बात है, और सेलर हैं। मेरा काफ़ी दिलचस्प राइटिंग है, काफ़ी अच्छी किताब लिखी है उन्होंने। इनफैक्ट मैं एक आपको स्टार्टिंग में ही क्रिटिक एक काफ़ी सही सजेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से, ये कि इसके जो कंटेंट्स पेज हैं, इसके जो इंडेक्स पेज है, पहले तीन, उसमें 99 चैप्टर, देखने में बड़े लंबी लिस्ट लगेगी पर 99 चैप्टर हैं, और वो लिस्ट अपने पास अगर नेट पर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, या कभी आप बुक पढ़ें तो बहुत ही बढ़िया, उसमें से वो लिस्ट ज़रूर अपने पास कहीं रखें, बिकॉज वो एक तरीके की चेकलिस्ट है। इधर उधर कभी भी चलते फिरते आप उन पर नज़र मारें और उनका जो है अध्ययन करना इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा, कि बेसिकली कभी भी अपने आप को चैलेंज करें कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सोच इन 99 चैप्टरों में से कहीं फिट हो रही है, क्योंकि ये बात करते हैं बायसेस की, ये बात करते हैं कि कैसे हम अपनी ही सोच में उलझ जाते हैं और अपने आप को बड़ा सही समझने लगते हैं। मैं एक सिंपल सा सवाल पूछूंगा आपसे, क्या आपको ये लगता है कि आपको सब पता है, या आपको कभी ये लगता है कि आपने जो सोचा वो सही था, या आप ही हैं चूजन वन है, या आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, या आप ये शर्ट पहनेंगे तो इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, या आप ये इस न्यू ईयर पे एक नई हैबिट डाल लेंगे या पुरानी वाली ख़त्म कर देंगे, बस इस न्यू ईयर का दिन आ जाए एक बारी तब स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, या आप पुरानी कोई चीज़ जोड़े जाते हैं उसे कभी निकाल ही नहीं पाते, कभी आप बादलों में देखते तो आपको कोई शेप नज़र आती है, आपको कुछ दिख जाता है कि ओहो मैंने तो, मेरे को तो ये दिखा, आप अपने ही सक्सेस को अपना ही समझते हैं पर अपने फेलियर को कहते हैं कि अरे ये तो उसकी वजह से हो गया। ये सब अगर हो रहा है तो ये, या आपने किसी को होते हुए देखा है तो चिंता मत कीजिए, ये हम सबको होता है, ये आप अकेले नहीं हैं या वो अकेले नहीं हैं जिनको आपने ऑब्जर्व किया, ये हम सब हैं, ये मैं आपको बता दूं। अपने आप मतलब मानना है इस बात को, इंसान अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता हो तो इस बात को मान के इम्प्रूव कर सकता है, या फिर आप माने कि नहीं मैं परफेक्ट हूँ तो बात ही अलग है, फिर तो ये बुक आपके लिए वैसे ही बेकार है। बहरहाल, इस बात के बारे में बात की गई है, ये बुक बड़ी प्रैक्टिकल सी गाइड है, मैं तो कहूँगा इनफैक्ट ये बुक इतनी प्रैक्टिकल है कि इसमें क्या लिखा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसमें क्या क्या मेन मुद्दे की बातें हैं वो अगर हम ले जाएं और अपने आप सोचें दिन ब दिन जो गुजरता है, जो कभी कभी इंसिडेंट्स होते हैं उनके बारे में, या आपने जो कभी किसी को कुछ बोला या किसी ने कुछ बोला उनके बारे में आप कभी सोचें, तो आपको रियलाइज़ होगा यार कहीं ना कहीं हम फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं हम सेम बातों में उलझे रहते हैं, सेम चीज़ों में, सेम अपने आप को सही समझते हैं। तो रैशनल थिंकिंग को डेवलप करने की एक प्रैक्टिकल गाइड है ये बुक, ऐसा मुझे लगा है, ये मेरा मानना है, ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा पहला थॉट प्रोसेस चल रहा है इस बुक के बारे में, पढ़ने के बारे में। आज मैं इस पार्क में भी गया तो काफ़ी देर बैठ के फिर मैंने सोचा इसके बारे में, और एक स्केप्टिसिज्म को डेवलप करने का अपने अंदर, कि हर चीज़ को गहराई में सोच पाएँ, उस चीज़ के बारे में ये बुक हमें समझाती है, हमें हल्का सा दिशा देती है, ठीक है। तो अब आते हैं ज़रा इसमें बुक में क्या क्या, जैसे मेन मैं बताऊं बायसेस के बारे में जो बात करिए, दो चार ही बात कर पाएंगे क्योंकि 99 बायस तो अभी तो अपने आप में, अपने इंसिडेंट्स, अपने एग्जांपल्स में फिट करने की कोशिश कर रहा हूं मैं इनको, पर कुछ मेन जो बायस हैं जो हर जगह आपको दिख जाएंगे उनके बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं हम। जो है एक सबसे बड़ी बीमारी है उसको बोलते हैं कॉन्फर्मेशन बायस। हम हमेशा क्या ढूंढते हैं, अपने ही समझ के लोग, लाइक माइंडेड लोगों के आसपास ही रहना चाहते हैं, जो हमें अच्छा बोलते हैं, जो वाह वाह ही करते रहते हैं, हमें बड़े पसंद आते हैं वो लोग जनरली, और ये आप और मैं अकेले नहीं हैं, इस सब में काफ़ी लोग हैं, इनफैक्ट अगर मैं सब लोग नहीं बोल रहा हूँ तो काफ़ी लोग हैं, इस तादाद में लोग हैं जो इसके शिकार हैं। उससे होता क्या है, लाइक माइंडेडनेस से होता ये है कि अब ये देखिए हम यहाँ पे इस पार्क में पहुँचे, लेक है, सुंदर सी बड़ी काम लेक है, बड़ा ही काम पीसफुल पार्क है,
मैंने जो है साल भर का पास लिया हुआ, तो मैं कभी भी इसमें आ सकता हूँ, कभी भी जा सकता हूँ। वैसे तो पत्ते उजड़ गए हैं, बट ये एक सुंदर सा रेड चेरी वाला पेड़ बचा था और बहुत ही सुहाना आज मौसम था, धूप निकली हुई थी, तो मेरा काफ़ी सही टाइम निकल जाता है इस लेक पार्क में। किताबें तो मेरी काफ़ी ज़्यादा यहीं ख़त्म होती हैं। बहरहाल वापस आते हैं, तो इन अपने लाइक माइंडेड लोगों में, सम सेम थिंकिंग वाले लोगों में बैठ के क्या होता है, वही बातें जो आप सोच रहे हैं वही वो सोच रहे हैं, तो आप और वो सेम बातें सोचते रह जाते हैं, कुछ नया वितर्क पैदा नहीं होता, कोई नया वितर्क वाली बात नहीं करता। कहने की बात यह, कोई आपको चैलेंज ही नहीं कर रहा है। जब आपको कोई चैलेंज नहीं कर रहा तो आपकी सोच चैलेंज नहीं हो रही है। तो अगर आपने कोई गलती से गलत सोच रखी हुई है और उन्होंने भी रखी हुई है, तो आप लोग एक दूसरे की सहमति में सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा आपने डिसीजन ले लिया या सोच लिया, या आप सही कह रहे हैं या किसी बारे में मुद्दे के बारे में, पर हो सकता है आपकी उस सोच में फ्लॉ है, कमी है, उसको जानने के लिए आपको चैलेंज करना चाहिए अपने आप को। ये एक सही तरीका है। ये बात हो रही है मैच्योर लोगों के बारे में। अगर किसी को अपने ही एरोगेंस में जीने में बहुत मज़ा आता है, तो आई थिंक वो अपने लिए एंटाइटल्ड हैं, आप जैसे जीना चाहें जिए। और मैं जो सोचता हूँ, मेरे को जो लगा, वो मेरे को काफ़ी सही बात लगती है कि अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए अपने आप को चैलेंज करना पड़ता है। अब जैसे कि इनमें और भी बातें हैं कि लोग कहते हैं कि भाई जी ये अथॉरिटी है, ये एक्सपर्ट है, इनके सामने जो है इनकी बात माननी चाहिए। यार ऐसा है तो आप ये देखें कि 2008 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, कोई भी इकोनॉमिस्ट जो एक एक्सपर्ट होते हैं अपने फील्ड के, क्या वो बता पाए क्रैश से पहले कि वो क्रैश होगा? नहीं। ऐसे ही जो बातें हैं, ऐसी ही जो चीज़ें हैं, इनसे बायसेस पैदा होते हैं। तो अब ऐसे ही स्टोरीज़ में क्या होता है, हम लोग बड़े बड़े पसंद हैं हम सबको कि स्टोरीज़ सुने हम एक दूसरे से। स्टोरी में क्या होता है, डिटेल्स रह जाती हैं, ऊपर ऊपर की बात हो जाती है, ऊपर ऊपर की बात होती है, हम मान लेते हैं उसको मान के अपना लेते हैं, जबकि उसमें जो डिटेल्स होती हैं वो रह जाती हैं कभी कभी। ये कनेक्टेड है इंसान की एवोल्यूशन से। इवॉल्व करते हुए हमारे पास किताबें थी नहीं, पेपर पेन था नहीं, तो कहानियों से जुड़े रहते थे हम। अब कहानियों में क्या है, कभी किसने कुछ कहा तो तीसरे तक पहुँचते पहुँचते बात कभी कभी पलट जाती है। आप ये देखें सदियों में तो कितनी ही पलट गई बात। उसके चलते चलते हमारा दिमाग इवॉल्व हुआ है कि बड़ी बड़ी जिस्ट याद रहती है बात, जैसे कि इस पॉडकास्ट का भी शीर्षक है जिस्ट याद रहती है बातें। आपको बेसिक डिटेल हर चीज़ की याद नहीं रहती। अब आपने कल आपने पूरा दिन कैसे बिताया, पूरा आपको डिटेल में याद नहीं होगा, आपको मेन बातें याद होंगी। तो स्टोरी का एक बहुत बड़ा बायस है। इसके बारे में कभी सोचिएगा, जब ये बुक पढ़ेंगे आप तो इसके बारे में आप अपने लिए सोचिएगा कि स्टोरी से हम कितना अफेक्ट होते हैं, कि कोई कुछ कहानी सुना देता है हम मान लेते हैं उस चीज़ को। ऐसे ही हम लोग ऐसे ऐसे कई बार बोलते हैं, मैंने कहा था ये होएगा, तो अब ये मैंने कहा था ये होएगा, तो भाई ये होने के बाद जनरली लोग बोलते हैं। कभी आप उनको एग्जैक्टली जो उन्होंने कहा है ना, उसकी एक डायरी में एंट्री करके रखें कि इसने इस दिन ये बोला, या आप भी कभी खुद उस चीज़ की डायरी एंट्री होनी चाहिए, ताकि आप दोबारा अपने आप को जाके वापस देख पाएँ, तो आप ये कहते हुए कि मैंने कहा था, ऐसा ना हो कि आप अपने आप को वो चीज़ होने के बाद अच्छा फील करा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इस चीज़ का काफ़ी महत्व है, काफ़ी इम्पोर्टेंस है कि हम अपनी ही कमियों को छुपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी कमी को मानना थोड़ा तो मुश्किल होता है ये, और ये चीज़ इनहेरेंट है हम सब में। ये जैसा कि मैंने कहा कि ये कहीं ना कहीं एक इवोल्यूशनरी चीज़ है, क्योंकि पहले था कि अपनी कमी मानना मतलब सर्वाइवल पे बात आ जाती थी, कि सर्वाइव करेंगे कि नहीं करेंगे। एक ग्रुप में जो हम जहाँ सब शिकारी थे, या खाने की काफ़ी वो रहती थी दिक्कत, या बाहर एकदम जंगल वाइल्ड लाइफ में रहना होता था, तो ये एवोल्यूशनरी दिमाग में ये इंस्टिंक्ट्स आए हैं हमारे, वो हैं इनहेरेंट। उसको हम जो डेवलप्ड ब्रेन है, एक तो रेप्टिलियन ब्रेन है और एक नियोकॉर्टेक्स जिसे बोलते हैं, अब वो नियोकॉर्टेक्स में जो लॉजिक आता है, लॉजिक से हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, अपना इम्प्रूव कर सकते हैं सोच, उसके बारे में ये बात हो रही है। अच्छा, इसमें काफ़ी बारी ये भी होता है जैसे कि मतलब हम लोग क्या कहते हैं, अभी इसमें पैसा लगा दिया तो लगा ही रहने दो, अब तो जी क्या फ़ायदा, निकल के कम हो गया स्टॉक्स में पैसा, तो लगे रहने दो। इसको बोलते हैं संक कॉस्ट पॉलिसी। ये चीज़ काफ़ी चीज़ों में सामने आती है, जैसे कि रिश्तों में, कि अगर कोई रिश्ते ख़राब हो गए तो लोग कहते हैं अब यार इतने साल लग गए हैं रिश्ते में, अब कैसे इसको छोड़ा जाए, तो लगे रहते हैं लोग, संक कॉस्ट पॉलिसी है वो भी। ऐसे काफ़ी सही और बायसेस हैं कि जैसे हम कंट्रोल कर लेते हैं काफ़ी चीज़ें, हमें हमें लगता है हम बड़ा कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल कुछ है नहीं। आपने कभी देखा होगा कि आप लिफ्ट के बाहर खड़े होकर बटन प्रेस करते रहते हैं कि जल्दी आ जाएगी लिफ्ट, लिफ्ट का अपना एक स्पीड है, डिफाइंड स्पीड है, लिफ्ट उसी से नीचे आएगी उसी से ऊपर जाएगी, पर हमें फिर भी लगता है हम पता नहीं कंट्रोल कर लेंगे, तो हम दबाते रहते हैं बटन। तो काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं जो हमें लगता है हम नहीं गलत हैं, पर कभी दूसरे के नज़रिए से देखें या ऐसी किताबों के नज़रिए से देखें तो अपने आप को थोड़ा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं।
और अगर आप पेन और पेपर लेकर बैठे हैं और अपने बारे में आप रियली अपने फोकस दें अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, तो ये काफ़ी सही एक चेकलिस्ट है जैसे कि मैंने पहले बोला। और एग्जांपल दूं मैं और कुछ, दो काफ़ी सही से चैप्टर्स थे उनमें से अपने नोट्स में ज़रा देखता हूँ। तो अब जैसे हम लोग क्या करते हैं कि एसोसिएशन बायस एक उठा लेते हैं। एसोसिएशन बायस ये भी बड़ा कॉमन है कि जी मैंने ना वो लकी शर्ट पहनी तो मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाता तो मैं आज भी वो पहन के जाता हूँ, या आज मैं पहला पैर मैदान में रखूँगा तो मेरी सेंचुरी लग जाएगी। ये सब बायसेस हैं, कभी एक बार हो गया तो आपने ऑब्जर्व कर लिया और आपको बड़ा अच्छा लगा तो आपने वो बना लिया। उनमें से 10 बारी जब ये नहीं हुआ होगा तो आपने नज़रअंदाजी कर दिया क्योंकि आपका उस टाइम शायद मूड ख़राब इतना था या आप उस बारे में सोचना नहीं चाहते थे, जो भी है, तो आपने उसे नज़रअंदाज कर दिया, वो आपकी कहानी में से आपकी स्टोरी में से हट गया, तो आपके दिमाग में वो मेमोरी में है ही नहीं है। ठीक है जी, तो ऐसे ऐसी बातें, ऐसे ऐसे बायसेस हमारे अंदर हैं, हम इनके इनको काफ़ी काफ़ी यूज़ करते हैं डेली। अब जैसे कि एवरेज, अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, एवरेज की बात होती है, एवरेज इस नदी की गहराई एवरेज 10, एवरेज 4 फीट है ऐसे कहते हैं, एग्जांपल लेते हैं। अब 4 फीट का उदाहरण लेते हैं, कैसे 4 फीट है, नदी पहले 1 मीटर की गहराई, पहले 1 मीटर जो है 1 मीटर गहरी है माने, अगला 1 मीटर 10 मीटर गहरी है और अगला 1 मीटर 1 मीटर गहरी है। टोटल इसका अगर एवरेज निकालेंगे तो 1 प्लस 10 प्लस 1 कितना हुआ, 12, 12 बटा 3, 4, तो 4 मीटर की एवरेज हाइट है नदी। अब कोई तैराक नहीं है जिसे नहीं तैरना आता बिल्कुल ही, उसको लगेगा भाई 4 एवरेज इसकी जो गहराई है 4 मीटर है तो, या 4 फीट लेते हैं, कोई बात नहीं 4 फीट लेते हैं, तो 4 फीट तो चलो मेरे कंधे तक पानी आएगा या उसके भी नीचे पानी आएगा तो मैं निकल जाऊंगा भाई, आप ऐसे सोचेंगे। तो वो पानी में उतरे, पहला मीटर चला तो कोई दिक्कत नहीं, 1 ही फीट की गहराई थी तो पानी काफ़ी नीचे तक था। अब जो अगला 1 मीटर है वो चलने में जो 10 फीट की गहराई है, अब फर्ज़ कीजिए, तो अब उसे डूबने, अब आप डूब सकते हैं इस बात के लिए क्योंकि आपने तो एवरेज लगाई 4 फीट की एवरेज है और यहाँ पे 10 फीट गहरा पानी, 10 फीट में तो वो एकदम से पैनिक कर जाएगा इंसान जैसे कि पानी इतना गहरा होगा। तो ये एवरेजेस की खासियत है, ये एवरेजेस का कमाल है, एवरेजेस काम बड़े आते हैं बिकॉज दोबारा से फिर वही बात कि इंसान का दिमाग काफ़ी पैटर्न और एवरेजेस पे काम करता है। हम गाड़ी चलाते हुए हमें एग्जैक्टली डिस्टेंस नहीं पता होता कि कितना लंबा कट लेना है तो हमारी गाड़ी मुड़ जाएगी, ये सब अंदाजन चलता है, अंदाजन पैटर्न बेस्ड थिंकिंग है हमारे दिमाग की, तो हम अंदाजे लगाने की कोशिश करते हैं अपना काम आसान करने के लिए। दिमाग अगर 1-1 इंच का कैलकुलेशन करने लगे तो दिमाग थक जाएगा, दिमाग काम ही नहीं कर सकता, उसके चलते ये एवरेजेस पे हम फोकस ज़्यादा करते हैं। एग्जांपल दिया मैंने, तो एवरेजेस का ये हाल है, एवरेजेस में जो डिटेल होती है ना, जैसे अभी इसमें एग्जांपल करा कि 10 फीट की गहराई थी, वो डिटेल रह जाती है, उससे हम काफ़ी बारी काफ़ी नुकसान उठा सकते हैं कि भाई एवरेज स्टॉक प्राइसेस इस फंड के, तो एवरेज रिटर्न इस फंड का 15% है, 15% तो आप सोचें बड़ा अच्छा लगेगा आपको, 3 साल का 15% रिटर्न पर एनम, अरे आप कहेंगे वाह जी वाह, पर उसमें आप देखें तो हो सकता है 1 साल तो 0% रिटर्न था, 1 साल 45% रिटर्न था, या फर्ज करें 30% रिटर्न था, और 1 साल जो है 15% रिटर्न था या जो भी, तो कर करा के आपका जो एवरेज बना वो 15% के आसपास बना 3 साल में। तो अब आपने अगर पहले साल लगा दिया तो पहले साल में आपका 0% रिटर्न बना और आप डर गए, आपको लगा होगा जी मैं तो निकलूँ इस फंड से, 0% रिटर्न आया मेरा। तो ऐसा ही है कुछ, अगर आप दूसरे साल उसमें जुड़े रहते तो हो सकता है आपका अच्छा रिटर्न आया था। तो एवरेजेस में या ये सब बातों में बड़ा काम आ जाती हैं बातें कि एवरेज रिटर्न क्या है, एवरेज में बात हो रही है या उन्होंने भाई वो एम्प्लॉई बड़ा अच्छा काम करता है और ये एम्प्लॉई बड़ा ख़राब काम करता है, ऐसे अब आप बायस बना लेंगे किसी के कहने पे, किसी की स्टोरी पे, किसी के अपने बायसेस के बेस पे। तो इस सब में क्या है, अब आपको ये किताब एक तरीके से अपने सेल्फ हेल्प के लिए पढ़नी चाहिए, मैं तो कहूँगा अपने आप को टटोलने के लिए अपने आप को एक्चुअली पेन पेपर लेके बैठना पड़ेगा और ये सब देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें अप्लाई होती हैं मेरी सोच पे। अब दिक्कत ये होगी अगर आप उस पहले ही ये मान के बैठे हुए कि मेरी सोच तो बहुत ही बढ़िया है तो ये किताब आपके लिए बेकार है क्योंकि आप वो देख ही नहीं पाएंगे कि आपकी कमी क्या है। अगर आप वो उनमें से हैं जो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं और आप अपने कमियों को अपनाने के लिए ओपन हैं, आप में ईगो नहीं है, आप एरोगेंट नहीं है, या एक वर्ड और होता है बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है तो गलत मत लीजिए जो है, अगर एक होता है डिल्यूजनल कि आपको एक गुमार है कि मैं तो बहुत ही सही हूँ, तो देखो ऐसा है तो आपको ज़रूरत ही नहीं है किताबों की, आप ऑलरेडी बहुत ही सही हैं, या आपके आसपास कोई ऐसा है तो वो बहुत ही सही इंसान है, उनसे ज़्यादा दिमाग अपना वेस्ट टाइम वेस्ट मत करें।
ये उनके लिए है, आपके लिए जो इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, जो मैं तो कहूँगा अगर आप ये पॉडकास्ट सुन भी रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं ओपन माइंडेड हैं कि भाई कैसे सोच सकते हैं, अच्छा क्या है ऐसा कि और इम्प्रूव कर सकते हैं, तो मैं तो कहूँगा कि आप उनमें से हैं, तो आप ये पेन पेंसिल लेके इसके पहले तो किताब ज़रूर पढ़ें, और प्लस फिर मैंने जैसे कहा कि इसके जो चैप्टर्स हैं उनके सिर्फ अगर नाम भी आप अपने टेबल के सामने भी चिपका लेंगे पेपर, वो चेकलिस्ट की तरह आप कभी भी बैठे कुछ सोचे और उसको एक बार उस चेकलिस्ट में फिट करके देखें कि सब जगहों में कोई बायस में तो नहीं, मैं गलत बायस सोच के तो इस बात के बारे में नहीं सोचा, तो मेरा ये सजेशन रहेगा। ठीक है, ये जेनरिक स्टेटमेंट्स एस्ट्रोलॉजर्स और एनालिस्ट, स्टॉक एनालिस्ट दे देते हैं, इकोनॉमिस्ट दे देते हैं, या आसपास के लोग दे देते हैं कि नहीं जी ये बहुत ही बढ़िया है, इसके ये कर लीजिए, पता किसी को होता नहीं है खुद से, सुनी सुनाई बातें होती हैं। कभी कभी हम क्या होता है कि हम सोचते हैं कि नहीं यार अपने आप को ये हमें पता है तो हम अपने आप से जवाब ढूंढेंगे कि अंदर की आवाज़ ने बोला, अरे अंदर की आवाज़ कभी कभी सही है, कभी कभी उसको नाप तोड़ लेना चाहिए, कभी दूसरों से पूछ के, सवाल पूछ के अपने बारे में कि आपको क्या लगता है, मैं इस बारे में ऐसा सोचता हूँ तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप अगर अपने से ही पूछ रहे हैं और आपकी ऑलरेडी अगर नॉलेज लेवल एक लेवल पे है तो आपको कुछ नया जानने के लिए आप अपने आप से सारे जवाब नहीं ढूंढ सकते, दूसरों पे भी ब्लाइंड विश्वास करना भी सही नहीं है। तो अगर आप देख रहे हो तो क्या है ना कि ये भी सही नहीं है, वो भी सही नहीं है, पर दोनों का संतुलन सही है कहीं ना कहीं, क्योंकि वही हमारे पास एक ऑप्शन है हिट एंड ट्रायल, कि भाई सब चीज़ें नाप तोड़ लें तो ही पता चल सकती है, एक चीज़ में तो गड़बड़ हो सकती है, सिर्फ एक चीज़ में अंधविश्वास रख के या ब्लाइंड ट्रस्ट करके वो तो बड़ी मुश्किल हो सकती है। तो स्केप्टिसिज्म की बात है बेसिकली, अपनी रैशनैलिटी की बात है, अपनी लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करने की बात है, हर चीज़ को ब्लाइंडली ना मान के, अंधविश्वास में ना कूद के, अपना दिमाग लगा के उसको परखने की बात है, कि आप परख करना जाने अपने सवालों के द्वारा, अपने आप से, अपने आसपास के लोगों से, कोई लोग अथॉरिटी में बैठे हैं आपके ऊपर तो उनकी बातों पे विश्वास ना करके अपना थोड़ा लॉजिक लगाएं, अपनी अकल लगाएं, इस बारे में ये बात की गई है। काफ़ी सारे चैप्टर हैं तो मैं सारे तो क्लियर कवर नहीं कर पाया इस बात में, इस संक्षेप में, बिकॉज बहुत ही डिटेल्ड बात हो जाएगी और सारे इंस्टेंसेस कवर भी नहीं हो सकते, क्योंकि किसी की लाइफ में क्या चल रहा है वो किस डिसीजन पॉइंट पे हैं वो ही जानते हैं बेटर, और उनको ये अपने आप के लिए सेल्फ हेल्प बुक की तरह देखनी चाहिए। मैं तो कहूँगा इनफैक्ट ये डेवलपमेंटल ईयर्स में पार्ट होनी चाहिए थी हमारी करिकुलम की, इतनी इंपॉर्टेंट बुक है। अगर वो नहीं भी हो रहा है तो पेरेंटिंग में तो डेफिनेटली यूज़ होनी चाहिए, कि इट्स अ गुड पेरेंटिंग बुक, कि आप पहले पढ़ें फिर आप अपने बच्चों को भी इससे हेल्प कर सकते हैं कि उनकी सोच वो कैसे सोचें बड़े होके, उस पर डेवलप कैसे करना है, उसमें हेल्प हो सकती है इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा। तो मेरे ख्याल से तो ये एक बहुत ही ज़रूरी बुक है, किताब है, तो अगर आप मतलब इसमें इसको और डिटेल में देखना चाहें तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि ये आप पढ़ें और बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपके थॉट्स क्या हैं, या आपने इससे क्या सीखा, हो सकता है वो डिफरेंट हो सकता है वो बहुत ही अलग कोई पर्सपेक्टिव हो, मैं भी शायद मिस कर रहा हूँ, पर हाँ ये मेरे अभी इनिशियल थॉट्स थे आज पढ़ के, अपने आप से थोड़ा टाइम बिता के पार्क में तो मैं वापस आया तो मुझे लगा ये मुझे करना चाहिए और शेयर कर रहा हूँ, तो यही है। इसमें हालांकि एक लास्ट लाइन थी, काफ़ी किसी की सेइंग थी, तो बुक का ही पार्ट है तो मैं कोट अनकोट बुक से ही कॉपी करके बता रहा हूँ, कि जैक वेल्च हैं ये जीई के फाउंडर रहे हैं, जीई जो कंपनी है आई थिंक उसके मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में इनका काफ़ी नाम है, तो उनका एक स्टेटमेंट है, उनकी एक कोट है, यू वुड नॉट बिलीव हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू बी सिंपल एंड क्लियर, पीपल आर अफ्रेड दैट दे माइट बी सीन एज अ सिंपलटन। तो आप समझ गए होंगे कहने का मतलब ये है कि आप यकीन नहीं मानेंगे, लोगों के लिए सिंपल और सरल होना इतना मुश्किल काम है, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि वो कहीं बहुत ही साधारण व्यक्ति ना लगे दूसरों की आंखों में, दूसरों की नज़र में, लोग इससे घबराते हैं सबसे ज़्यादा। एक और स्टेटमेंट है, वी आर नॉट परफेक्ट बींग्स बट वी आर क्वाइट गुड एट ओवरलुकिंग द एक्सटेंट ऑफ आर इम्परफेक्शंस। हम परफेक्ट नहीं हैं पर हम बहुत ही एक्सपर्ट हैं अपनी इम्परफेक्शन को नज़रअंदाज करने में। क्या बात कही है, देखिए अगर किसी की सोच पे आप बोले हैं तो मतलब काफ़ी इम्प्रेसिव एक सोच है आपको जो मिल जाती है किताबों से। तो मैंने ये दो सेंटेंसेस, दो कोट्स रखे हैं अलग से, मतलब ये काफ़ी जैसे कहते हैं ना हम्बल फीलिंग लाते हैं आपके अंदर, कि आप ह्यूमंस के ना कॉमन ट्रेट्स हैं कि हमें अपने बारे में अच्छा सोचना बड़ा अच्छा लगता है। बहरहाल यही कुछ बातें थी, अगर आपको अच्छी लगी तो बताइए, नहीं लगी तो भी बताइए, या आपकी कुछ ऑल्टरनेट सोच है तो बताएं, जुड़ें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक करें अगर आपको पसंद आए,
और कोई अगर आप कोई और किताब ऐसी है जो आप पढ़ना चाह रहे हैं बहुत टाइम से आपको नहीं मिल रही है, एक बारी मुझे बताने की कोशिश ज़रूर कीजिए। हो सकता है मैं वो पढ़ के उसका कुछ मेन पॉइंट्स शेयर कर पाऊँ, और आई वुड रियली लाइक दैट। मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा अगर मैं कोई अच्छी किताब किसी के लिए पढ़ पाऊँ जो आपको नहीं मिल पा रही है और मुझे मिल जाती है, और मैं उसके मेन लेसन्स, लर्निंग्स, मोरल मोरल ऑफ द स्टोरी ऑफ दैट बुक आई कैन शेयर, मॉरल ऑफ द स्टोरी ऑफ दैट बुक आई कैन शेयर, सॉरी। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगेगा। आपको अगर ऐसी कोई किताब है जो आपको नहीं मिल रही है मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में, या कहीं भी कोशिश रही रहेगी मेरी कि मैं वो किताब ढूंढूँ और पढ़ के आपको आपके सामने उसकी समरी प्रेजेंट करूँ। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। नेक्स्ट टाइम के लिए जुड़े रहें, तब तक के लिए टेक केयर।